बारिश के पानी को हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे बर्तनों में स्टोर करते हैं। सामने वाले पहाड़ों की बात की जाए तो वहाँ बहुत ही भयंकर बारिश होने पे लगी हुई है, काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ भगवान बद्री विशाल की कृपा से आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी करीबन सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज के मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने घर के छत से और छत से चारों तरफ का नजारा कुछ इस तरह से है। जिस हिसाब का चारों तरफ का मौसम बना हुआ है, ऐसे में तो लग रहा है कि आज बारिश आने की पूरी संभावना है। अभी करीबन 10:30 बज चुके हैं। जैसे ही मैं नाश्ते करके अपने कमरे में आया, बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। आजकल 2-4 दिन से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ज्यादा देखने को मिल रही है। हमारे इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है और ऊपर वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ज्यादा देखने को मिलती है। बारिश के पानी को हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे बर्तनों में स्टोर करते हैं और उसके बाद हम लोग इन बड़े ड्रामों में भर देते हैं और यह पानी सिर्फ गाय बच्ची को पिलाने के ही काम में आता है। सामने की बात की जाए तो चारों तरफ बारिश होने पे लगी हुई है। आज तो मौसम भी काफी ठंडा हो चुका है, बारिश के साथ साथ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी 2 बज चुके हैं और लंच की तैयारी भी हो चुकी है। मम्मी ने यहाँ पर दाल चावल बना रखे हैं। तो दोस्तों, अभी करीबन 3 बज चुके हैं और बारिश भी बंद हो चुकी है। सामने पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने के बाद शाम के 5:30 बज चुके हैं और बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सामने वाले पहाड़ों की बात की जाए तो वहाँ बहुत ही भयंकर बारिश होने पे लगी हुई है और आज तो मौसम काफी ठंडा हो गया है। दोस्तों, बज चुके यहाँ पर 7:30 और अभी तक बारिश लगी हुई है और बारिश के साथ साथ बिजली भी चमक रही है और इस साइड देखा जाए तो काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है। सुबह से रात हो चुकी है, अभी तक बारिश लगी हुई है और पहाड़ों पे हर तरफ बिजली चमक रही है। दोस्तों, डिनर की भी तैयारी हो चुकी है और मेरी बहन बना रही है यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी और हम लोग अगेठी में रोटी बनाते हैं। वैसे हमारे पास चूल्हा तो है पर लेकिन हम ज़्यादा इस्तेमाल अगेठी का ही करते हैं। और बाहर सुबह से लेके रात हो चुकी है और बाहर अभी तक बाहर बारिश लगी हुई है।
लाइट भी चली गई है और ये रह गई है आखिरी रोटी, रोटी भी बन चुकी है तो अब करते हैं डिनर। तो बच चुके हैं 9:30, डिनर करने के बाद गप्पे सप्पे मारी, आग वगैरह सेकी और अब आ चुका हूँ मैं अपने रूम में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल और शुभ रात्रि।